हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीके बताएंगे और ट्रिक भी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन में क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सभी प्रश्नों में क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया है, 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 × 2 की पावर 2, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि जब भी किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 की पावर 0 दिया है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस देखिए दोस्तों, जब भी घाते माइनस में दी हो तो क्या करेंगे, पहले घातों को प्लस में करेंगे, ठीक है। अब घातों को प्लस करने के लिए क्या करना होता है कि 1 बट्टा, इसे बट्टा हम कर लेंगे तो 4 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और गुणे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते रहें तो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। और गुने कितना हो जाएगा, 4, तो 4 और 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। कितना बचा, 5 बचा। देखिए यहाँ पर कहाँ पर आया है 5, ऑप्शन नंबर ए पर आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है, 2 की पावर -1 × 4 की पावर -1 / 2 की पावर -2। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जब भी घाते माइनस में दी हो तो हम क्या करेंगे, पहले उसे प्लस में करेंगे, और प्लस में करने के लिए क्या करना होता है, क्या करना होता है, उसे बटे में लिखना होता है। कैसे, 1/2, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुणे कर लेंगे, फिर 1/ क्या कर लेंगे, 4, ठीक है। इसकी भी पावर -1 दिया है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर दिया है भागे, ठीक है, भागे दिया, और 2 की पावर कितना दिया है, -2/4 हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, भागे भागे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 की पावर -2 है तो क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 1/ क्या दिया है, 2 × 1/4 और भागे 1/2 की पावर 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं ना, तो 1/4 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि 1/2 हो जाएगा गुने 1/4 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पर भागे के चिन्ह दिए होंगे तो हम क्या कर लेंगे, पलट लेंगे इसे। पलटेंगे कैसे, तो यहाँ पर गुणे कर देंगे और 4/1 कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इनको काट देंगे, ठीक है, इनको काट देंगे तो कितने बचेगा, 1/2, कितना बचेगा, 1/2। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, 3 की पावर -1 + 4 की पावर -1 + 5 की पावर -1। देखिए दोस्तों, इसमें एक ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया है कि जब भी किसी संख्या का घाते 0 दिया हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1। देखिए दोस्तों, यही तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि पूरे की घाते क्या दिया है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, 1। तो किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3 की पावर -1, तो हम क्या करेंगे, -1 को क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे, प्लस 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और फिर प्लस 1/ कितना कर लेंगे, 5 कर लेंगे, ठीक है। अब इनकी पावर 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका मान कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। हमने बताया था कि किसी भी संख्या का मान 0 हो तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है,
पाँच की पावर माइनस वन गुने दो की पावर माइनस वन गुणे छः की पावर माइनस एक। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। देखिए, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब भी घातें माइनस में दी हों तो पहले उसे क्या करेंगे, प्लस में बदलेंगे। ठीक है, तो प्लस में बदलने के लिए क्या करना होता है कि हमें क्या लिखना होता है, एक बट्टे पाँच की पावर वन, वन लिखिए आना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे, गुने एक बट्टे दो कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दो की पावर माइनस वन है, वन लिखिए आना लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे, कोष्टक बंद, फिर गुने एक बट्टा छः। ठीक है, एक बटा छः इसका भी कर लेंगे क्योंकि इसकी भी माइनस वन घात दी हुई है। तो अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, एक बटे पाँच गुड़े एक बटे दो गुड़े एक बटे छः। तो क्या कर लेंगे, ऊपर का ऊपर में गुणा कर लेंगे, नीचे का नीचे में गुणा करेंगे। तो ऊपर का ऊपर में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाए। ठीक है, और नीचे का नीचे में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, पाँच दुना के दस, दस छक्का साठ, कितना आ जाएगा, एक बट्टा साठ आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा से हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत सी आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँचवा में क्या दिया है, आठ की पावर माइनस वन गुड़े पाँच की पावर तीन बटे दो की पावर माइनस चार बराबर क्या होगा, यही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, हम इसे भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए दोस्तों, इसकी भी घातें माइनस में दी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक बटा आठ हो जाएगा। ठीक है, एक बटे आठ हो जाएगा और गुने, देखिए दोस्तों, पाँच का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, और पूरे का बट्टा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, एक बटे दो की पावर चार हो जाएगी। ठीक है, दो की पावर चार हो जाएगी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक बट्टे आठ हो जाएगा गुड़े 125 हो जाएगा। और क्या कर लेंगे इसे, देखिए दोस्तों, दो का अगर चार में हम गुणा करेंगे तो आने की दो का चार वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड़े 16। क्यों, देखिए दोस्तों, इसे हम ऊपर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी ये बटा में दिया हुआ है, तो बटा को हम ऊपर करते हैं तो क्या होता है, गुणे में हो जाता है। ठीक है, गुणे में हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, तब क्या करेंगे, आठ में दो से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 16 आने की दो बार में कट गया, अब क्या बचा, 125 गुणे दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है कि दोस्तों, कितना आ जाएगा, 250। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, हमारा 250 भरा जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।